इक्कीस सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों के धरने से जुड़ा मामला है। लगातार तीसरे दिन लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना जारी है। अनशन पर बैठे कुछ छात्रों की तबीयत भी खराब हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में अनशन लगातार जारी है। मांगे पूरी नहीं होने तक धरने और अनशन की चेतावनी भी लगातार बेरोजगारों की तरफ से दी जा रही है। और अब खबर आ रही है जहां पर कुछ बेरोजगार युवाओं की तबीयत भी खराब हो गई है। आपको बता दें, तीन रातें इन लोगों ने खुले आसमान के नीचे गुजारी हैं और अब इनकी तबीयत भी खराब होने लगी है। ऐसे में इनको कैसे, इनकी व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त की जाएं, इन्हें आखिर कैसे आश्वासन दिया जाए, लगातार उपेंद्र यादव प्रियंका गांधी से मिलने की मांग भी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित वर्मा जुड़े हैं। ललित, बताएं क्या अपडेट धरने को लेकर? कमरुद्दीन, आपको बता दें कि लखनऊ में जो बेरोजगार हैं, राजस्थान के बेरोजगार हैं, इक्कीस सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे हैं और आज उनके धरने का चौथा दिन हो गया है। अगर लखनऊ कांग्रेस कार्यालय की बाहर की बात की जाए तो तीन दिन से लगातार वो धरने पर बैठे हैं। तो वहीं पहले दिन जब वह लखनऊ पहुंचे थे तो वहां पर धरना प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही जो बेरोजगार हैं उपेंद्र यादव हैं, अन्य जो बेरोजगार हैं, उन्होंने अनशन भी शुरू कर रखा है। अनशन के चलते कुछ बेरोजगारों की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। लेकिन बेरोजगार इस बार आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वह पीछे हटने वाले नहीं है। पहले महापड़ाव 44 दिन राजधानी जयपुर में दिया गया था, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में महापड़ाव की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में इस बार बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर खुला मोर्चा खोला है और कमरुद्दीन लगता नहीं है कि इस बार बेरोजगार पीछे हटने वाले या आश्वासन से मानने वाले हैं। जब तक प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक ये बेरोजगार उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से डटने का ऐलान कर चुके हैं। ललित, हमने सुना था, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि भाई वो लोग अब आ जाएं, राजस्थान लौट आएं, इसका, इस अपील का कोई असर दिख रहा है क्या? लगता है कमरुद्दीन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उन्होंने कहा था कि राजस्थान के बेरोजगारों का उत्तर प्रदेश में आंदोलन देने का कोई औचित्य नहीं है, हम उनका परिवार है, वहां के हमसे बताएं। तो लेकिन इस बयान को भी तीन दिन का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक भी वार्ता का कोई न्योता नहीं आया है। जब पहले दिन लखनऊ में ये बेरोजगार पहुंचे थे तो वहां के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक भी किसी भी प्रकार से मुलाकात का कोई न्योता नहीं आया है। ऐसे में अब बेरोजगारों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से नहीं हो जाती तब तक वे अपने आंदोलन पर डटे। बिल्कुल ललित, तो बेरोजगार अपनी मांगों पर अडिग हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार लखनऊ में धरना दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कुछ बेरोजगार युवाओं की तबीयत भी खराब हो गई है और ये चिंता की बात भी है।